हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं फिर से आप सभी का पॉकेट गुरुजी में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छा गेमिंग फोन चाहते हैं तो Realme की तरफ से आ गया एक धमाकेदार फोन जिसका नाम है Realme GT Neo 2। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑफिशियली कहा गया है कि अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अगर आप गेम खेलते हो तब भी ये फोन जो है वो हिट नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं इस फोन के बारे में, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं और क्या क्या इसमें आपको Realme दे रहा है। तो दोस्तों, आइए वीडियो देरी के चलते वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि एक फुल एमोलेड डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कैमरे की, तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। जो पहला कैमरा है, जो कि मेन कैमरा होगा, वो होगा 64 मेगापिक्सल का, और वहीं पे 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड कैमरा, और वहीं पे 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा माइक्रो डेप्थ कैमरा। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब आप गेम खेलते हो ना, तो सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो हीट करने लग जाता है बहुत ही जल्दी, उसका रीज़न यही होता है कि ख़राब प्रोसेसर का होना या फिर ख़राब चिपसेट का होना है। यानी दोस्तों, जब आपके फ़ोन में बेहतर से बेहतर चिपसेट नहीं लगाया जाएगा तो आपका फ़ोन जो है वो जल्दी हीट कर जाएगा अगर आप गेम खेलोगे तो इसी को देखते हुए दोस्तों, Realme ने इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ अट्टा कोर क्यूरियो 585 का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रैम के बारे में, तो ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहले मिलेगा 8/128, दूसरा होगा 8/256 और तीसरा होगा 12/256 GB का। तो यहाँ पे दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तो सोच समझ के कोई भी आपको वेरिएंट चुनना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप एक्सटर्नल मेमोरी इसमें नहीं लगा पाओगे। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बात करें इसकी चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो आपका फ़ोन है 36 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, कुछ टाइम पे ऐसा भी आ सकता है ना कि मतलब बैटरी को चार्ज लगाया और तुरंत निकाल लिया हो गया चार्ज? वो क्या लगता है कितने साल में ये ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों, इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको 3.5mm की ऑडियो जैक देखने को मिलेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और ये फोन जो होगा दोस्तों, वो एज यूजुअल 5G होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो इसका रेंज है वो 25,000 से 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस रेंज में ये फ़ोन आपके लिए बेटर होगा कि नहीं होगा? तो मैं अगर अपनी राय दूं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है, क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है ना, बहुत ही तगड़ा लगाया Realme ने। अब ये देखने वाला बात होगा कि जब ये फ़ोन आएगा तो क्या वाकई में इसका ऐसा प्रोसेसर काम करेगा कि आपका जो गेम है वो नहीं फंसेगा या फिर बहुत ही अच्छा होगा, तो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।